हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एग्जाम क्लियर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। जैसे हम कल डिस्कस किया था टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के साथ इसका क्या रिलेशन है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा यूजीसी नेट में, ये डिस्कस किया था। आज भी फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट में टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन सेक्शन से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, जो आपको मार्क 100% देने की जो कोशिशें है ये हम आज भी करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्लास में। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो सेक्शन है इसे अब हम समझते हैं। यहाँ देखिए कुछ चीज इंट्रोड्यूस किया है। ब्रॉडली स्पीकिंग, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इम्प्लाइज द यूज ऑफ implements, use of implements, tools and machines in education in the same manner as we are used to those of the developments of agriculture and gardening and industry and in fact our everyday life to reap the fruit of scientific and technological development. यहाँ देखिए फ्रेंड जो बात कहना चाहते हैं ये क्या है, यूज ऑफ इम्प्लीमेंट्स टूल्स एंड मशीन्स इन एजुकेशन। इम्प्लीमेंट्स, टूल्स एंड मशीन्स को हम जब एजुकेशन के सेक्टर में यूज करते हैं, यहाँ इन बातों को इसमें ध्यान में रखते हुए हम इसको एनालाइज करेंगे। देखिए यहाँ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में क्या है, टूल्स एंड मशीन्स को एजुकेशन में यूज की जाती है। जैसे हमारे फार्म हाउस में हम टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट्स है उसे यूज करते हैं। तो देखिए, अंडर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन वी इंक्लूडेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रोजेक्टर, फिल्म, रेडियो, टीवी, टीचिंग मशीन, कंप्यूटर एंड इंटरनेट। हम क्या करते हैं, टीचिंग मशीन्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, रेडियो, टीवी, टीचिंग मशीन, इन सब चीजों को हम यूज करते हैं। तो टीचिंग इन एजुकेशन रेफर्स, technology in education refers to the application of engineering principle and technology in the process of education. kya hai isme engineering jo principles hota hai, technology in the process of education mein hum use karte hai. basically it is called hardware technology. theek hai, technology in education mein jo hum basically use karte hai use hum hardware technology bhi kehte hai. yahan silberman ne 1968 ne kya hai कॉल दिस टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज रिलेटिव टेक्नोलॉजी। इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसे सिल्बरमैन ने क्या कहा, रिलेटिव टेक्नोलॉजी कहा। एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है इसे क्या कहा सिल्बरमैन ने, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा। तो फ्रेंड्स ये बात फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, क्या है, रिलेटिव टेक्नोलॉजी कहा। जो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, सिल्बरमैन ने 1968 में यह कहा रिलेटिव टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है इसे कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी हर पॉइंट को एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट की जो एग्जाम है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो आप इन चीजों को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। पहले देखिए यहाँ एरियाज की बात होते हैं, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या होते हैं और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में क्या एरियाज होते हैं, इसे हम समझते हैं। बेसिक्स में क्या, देखिए टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में इट इज बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, ये चाइल्ड साइकोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है ये बेस्ड होता है चाइल्ड साइकोलॉजी पर। यहाँ क्या है, एज, एबिलिटी और मेंटल लेवल पर ध्यान रखा जाता है। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में एज, एबिलिटी और मेंटल लेवल पर ध्यान रखा जाता है। अब जो बात है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की, तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में क्या होता है, इन द बेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस और
इंजीनियरिंग साइंस की बेसिस पर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में, ये साइंस की बेसिस पे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप बात करेंगे अप्रोच की, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की जो अप्रोच है, इट्स अप्रोच इज आइडेंटिफाइड एज सॉफ्टवेयर अप्रोच। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की जो अप्रोच है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की जो अप्रोच है ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है, इज आइडेंटिफाइड एज सॉफ्टवेयर अप्रोच। और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है, इट्स अप्रोच इज आइडेंटिफाइड एज हार्डवेयर अप्रोच। ठीक है फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है हार्डवेयर बेस्ड अप्रोच है। आप ओरिजिन की बात करते हैं दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या है, इट्स ओरिजिन लाइज इन द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू द प्रॉब्लम्स। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या होते हैं, द ओरिजिन लाइज इन द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंस टू द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम के बिहेवियरल साइंस के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में क्या है, इट ओरिजिन लाइज इन द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग टू एजुकेशन। ठीक है, तो क्या है इसमें, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में क्या होता है, इट्स ओरिजिन जो होता है ये लाइज होता है, ये रहता है एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग को एजुकेशन में जोड़ने की। यहाँ आप एग्जाम्पल के बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की जो एग्जाम्पल्स है क्या, एक एग्जाम्पल से टेक्स्ट बुक की बात कर सकते हैं, हम वर्ड बुक की बात कर सकते हैं, और न्यूज पेपर जो है इसकी बात हम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की है, और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में क्या इंक्लूड रहते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, टीवी, रेडियो, स्लाइड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ओएचपी यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के साथ जुड़े हुए। आप रिलेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज रिलेटेड टू लर्निंग एड्स। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है ये लर्निंग एड के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है ये रिलेटेड टू द टीचिंग एड, ये टीचिंग एड के साथ रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, आप बात करते हैं रिक्वायरमेंट, दोनों जो चीजें देखिए, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज रिलेटेड टू लर्निंग एड्स, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज रिलेटेड टू टीचिंग एड। एक क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये जो पहला है ये लर्निंग एड के साथ जुड़े हुए है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन ये लर्निंग एड के साथ जुड़े हुए है, और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है ये टीचिंग एड के साथ जुड़े हुए है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, द यूज ऑफ द अप्रोचेस डज नॉट रिक्वायर स्किल्ड पर्सनल एज इन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। तो इसमें टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या है, The approach does not require skilled personnel as in hardware technology. इसमें क्या है, skilled personnel की जो skilled है, skilled लोगों का इतना जरूरत नहीं पड़ते हैं, जैसे technology in education में क्या है, skilled personnel in hardware technology are needed होते हैं। इसमें technology in education में क्या है, जो स्किल पर्सन की जरूरत रहते हैं। तो आप बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन अप्रोच क्या होते हैं, दिस अप्रोच इज वेरी फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल रहते हैं, और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो अप्रोच है इज रिलेटिवली क्या होते हैं, इसे रिजिड रहते हैं, इसे चेंज नहीं की जा सकते। आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं हम, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, क्या है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है इसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं, और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव टेक्नोलॉजी।
ठीक है फ्रेंड्स, आप बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल सिस्टम में, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में अब हम बात करते हैं। दिस अप्रोच इज वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द लर्नर्स एंड एडुकेटिंग देम अकॉर्डिंगली। जो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो अप्रोच है, इट इज वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ लर्नर। ये जो लर्नर्स की जरूरत है, क्या जरूरत है, इसे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एडुकेटिंग देम अकॉर्डिंगली, इनकी जो जरूरत है, इनकी जरूरत के अनुसार टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में इसे क्या है, इसे लर्नर को एडुकेट किया जाता है। और टेक्नोलॉजी इन एडुकेशन में क्या है, इट इज यूजफुल इन मास एडुकेशन प्रोग्राम। ये मास एडुकेशन प्रोग्राम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो टेक्नोलॉजी इन एडुकेशन, ये मास एडुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब कॉस्ट की बात करते हैं, अगर कॉस्ट की बात करें तो यहाँ देखा जाते हैं कि टेक्नोलॉजी ऑफ एडुकेशन जो है, इट इज लेस कॉस्टली। इसमें क्या है, कॉस्ट ज्यादा नहीं होते, इसमें बहुत ही ज्यादा कॉस्ट नहीं होते, थोड़ा कम कॉस्ट के होते हैं। और टेक्नोलॉजी इन एडुकेशन जो है, ये क्या है, इट इज एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो डिफरेंस हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है, इन डिफरेंस को अगर आप इसे अगर अच्छे तरीके से समझ ले, तो आपकी दोनों जो क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की पार्ट से जो क्वेश्चन होगा, इसको आप इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन दोनों पार्ट से आपके जो क्वेश्चन उठाया जाएगा, इसकी सही आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या जरूरत है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इनके बारे में अब हम बात करेंगे। Use of educational technology is needed in the process of education because of the following reason. जो रीजन हम नीचे दिए हुए हैं, इस रीजन के कारण से क्या है, educational technology के use की जाती है। जो पहला जो नीड है, इसमें क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की बात किया जाता है। देखिए, पॉपुलेशन ऑफ एशियन कंट्रीज आर इंक्रीजिंग एट ए वेरी फास्ट स्पीड एंड वी कैन नॉट एडुकेट ऑल दोस पीपल जस्ट बाय यूजिंग टीचर इन द क्लासेस। हमारी जो एशियन कंट्रीज है, इन कंट्रीज एशियन कंट्रीज में जितने ज्यादा रेपिडली पॉपुलेशन इंक्रीज होते हैं, उतने टीचर को हम डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं जिनके द्वारा उन सभी की लर्निंग्स हो सके। सो यहाँ क्या है, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना बहुत जरूरी हो गया। अब नंबर टू में, इसमें क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के साथ एक्सप्लोशन के क्या है, मॉडर्न मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन like TV, internet, series, etc. can impart education to millions of people together in one setting. तो क्या है, आप कम्युनिकेशन के जो मीडिया है, टीवी, इंटरनेट, सीरीज, ऐसे जो कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, जो मीडिया में, ये बहुत इम्पोर्टेंस हो गया, क्योंकि ये एक साथ लाखों लोगों को कुछ मैसेज और लर्निंग पॉइंट्स दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट जो है, द फास्ट जेनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज की जो फास्ट जेनरेशन है, ये स्पीडी हो जाता है। सो इसमें इसके साथ टेक्नोलॉजी की जोड़ना बहुत ही जरूरी हो गया। न्यू नॉलेज इज एक्सपैंडिंग एट ए वेरी फास्ट स्पीड। पहला जो बात है, हमारी न्यू नॉलेज जो है, नॉलेज के डेवलप्ड दिन दिन क्या है, हर दिन नई कुछ इंफॉर्मेशन आते ही, नई कुछ डेवलपमेंट होते ही, उन डेवलपमेंट के साथ कम्युनिटी के जुड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की बहुत ही अहमियत हो गया है। अब जो टू पॉइंट जो है, इट इज ऑलमोस्ट ड्यूरेबल इन It is almost doubling in just 3 years. जो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी है, ये 3 years में, लास्ट 3 years में डबल जैसे हो गया। अब जो है नंबर 3 पॉइंट में हम बात करते हैं, ए टीचर इज नॉट supposed to impart this huge amount of knowledge by tutorial or classroom lesson.
क्लासरूम टीचिंग। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो जितने नॉलेज की अमाउंट जो है ये इंक्रीज हो गया एक टीचर के साइड से, एक टीचर के साथ बैठ के इतने सारी नॉलेज को, इतने टीचिंग मटेरियल को एक साथ लेना बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा हो गया। सो क्या है, इसके साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जो आवश्यकता है ये बढ़ गया है। आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन परफॉर्म द फंक्शन वेरी इजीली। एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है ये इनका जो फंक्शन है बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रेटजीज। इट इज द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दैट हैज हेल्प टू डेवलप न्यू स्ट्रेटजीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये क्या क्या है, न्यू स्ट्रेटजीज जो है इसे एजुकेशन में एंटर किया है, जो न्यू टेक्नोलॉजी एडुकेशन के लिए इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं इसमें पॉइंट क्या है, माइक्रो टीचिंग इंक्लूडिंग ऑफ टीचिंग स्किल अमंग टीचर्स। जो माइक्रो टीचिंग के जो बात होते हैं, टीचर की जो टीचिंग स्किल है इसको डेवलप करने के लिए नई कुछ स्ट्रेटेजीज की जरूरत हो गया। उच्च स्ट्रेटेजी जो है, उन टाइप की जो स्ट्रेटेजीज है, इसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उसे पा सकते हैं। नंबर टू ऑप्शन में देखिए, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो है, प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन राइटिंग और काई फॉर इंडिविजुअल लर्निंग, ये हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज करके इसे हम अचीव कर सकते हैं। नंबर थर्ड में अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस की बात हो, एनालिसिस ऑफ टीचिंग मटेरियल इनटू कन्वीनियंट पार्ट्स टू बी प्रेजेंट टू स्टूडेंट्स वन बाय वन। तो इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ टीचिंग मटेरियल जो है ये वन बाय वन देने पड़ते हैं, एंड यूज ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एक्सेट्रा अब जरूरी हो गया। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है फोर नंबर, ये क्या है, देखिए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्यों जरूरत आ गया, कि इसकी जरूरत आया इसलिए कि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के लिए, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए क्या है, एडुकेशनल टेक्नोलॉजी की जरूरत आ गया। पर पहला बात जो है, एडुकेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्लाइटिंग प्लेथिंग बाय सम टीचर्स आफ्टर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एडुकेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एडुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एडुकेशन कैन नॉट बी ट्रीट एज प्लेथिंग। एडुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है इसे आप क्या है, प्लेथिंग के जैसा यूज नहीं की जाती है। बट सम टीचर आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एडुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसकी जो इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा अब इम्पोर्टेंस लगने लगा है। और जो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहते हैं, इट हैज मेड द होल प्रोसेस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्लीन साइंटिफिक एंड इंटरेस्टिंग। जो टीचिंग होल प्रोसेस जो है, टीचिंग प्रोसेस जो ऑब्जेक्टिव से, ये अब क्या है, ऑब्जेक्टिव हो गया है, क्लियर हो गया, साइंटिफिक एंड इंटरेस्टिंग जैसे हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करें तो द टीचर कंट्रोल्स द क्लासरूम एनवायरमेंट इन हीज ओन फेवर, बट हीज परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड साइमल्टेनियसली बाय अप्लाइंग टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, द टीचर कंट्रोल्स द क्लासरूम एनवायरमेंट। जो टीचर है वो अपनी क्लास की एनवायरमेंट को कंट्रोल करता है, बट जब पे इवोल्यूशन के टाइम आता है साइमल्टेनियसली, तो यहाँ क्या है, एडुकेशनल टेक्नोलॉजी के यूज करके, जो एडुकेशनल टेक्नोलॉजी के यूज करके उन्होंने जो टेस्ट की जो सीरीज है ये आराम से लगा सकते हैं। बात करते हैं फाइव जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर फाइव, जो इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर रोल। टीचर्स की जो रोल है वो अब एडुकेशनल टेक्नोलॉजी के साथ मिलके इम्पोर्टेंट हो गया। तो यह क्या है, पहला जो पॉइंट है, इट एम्फासाइज थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मोर देन दोज ऑफ लर्निंग।
जो टीचिंग है, जो थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स जो है, एम्फासाइज ऑन टीचिंग, टीचिंग पे जो थ्योरीज और प्रिंसिपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए फ्रेंड्स, इट हैज रिमूव्ड मेनी ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड हैज रेज द सिग्निफिकेंसी एंड रिलीवेंसी ऑफ ए टीचर इन द क्लास। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जो शॉर्ट कमिंग्स थे, जो कुछ शॉर्ट कमिंग्स थे, वो सब अब रिमूव हो गया। तो अब क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। आप बात करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्यों जरूरत है, इसमें पॉइंट सिक्स जो है, मास एक्सटेंशन ऑफ मॉडल टीचिंग। मॉडल टीचिंग की जो एक्सटेंशन है, ये काफी हो गया है अब, इसलिए क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जरूरत हो गया। द फैसिलिटीज ऑफ रेडियो टेलीविजन एंड इंटरनेट आर नाउ अवेलेबल ऑफ ए लार्ज स्केल। जो फैसिलिटीज ऑफ रेडियो टेलीविजन और इंटरनेट की जो फैसिलिटीज है, ये आप अवेलेबल हो गया बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द इफेक्टिव टीचिंग ऑफ रेनाउंड टीचर्स ऑन दिस मीडिया, वी कैन बेनिफिट मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर। अब जो है, रेनाउंड टीचर जो हुए, रेनाउंड टीचर के जो क्लासेस है, ये क्लास अवेलेबल हो गया आप सब के लिए, क्योंकि यहाँ मीडिया को यूज करके, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसको यूज करके जो लर्निंग है, ये डिसिमिनेट करना बहुत क्या है, आसान हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, इवन द लेस इफेक्टिव एंड लेस स्किल्ड टीचर कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दोज डेमोन्स्ट्रेशन एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग। जो टीचर लेस इफेक्टिव है, उन जिनका स्किल थोड़ा कम है, वो लोग भी क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है, इसे अडॉप्ट करके उनका क्लास जो है, इसे बहुत बेहतर आप बना सकते हैं। आप बात करते हैं एडवांटेज टू प्राइवेट स्टूडेंट्स, एडवांटेज टू प्राइवेट स्टूडेंट्स में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या एडवांटेज दी है प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। तो बात करते हैं, पहले जो मेनी यूनिवर्सिटी हैव गिवन परमिशन टू स्टूडेंट्स फॉर प्राइवेट एग्जामिनेशन इवन इन हायर एजुकेशन। और तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है, लर्नर्स को प्राइवेट एग्जामिनेशन की परमिशन दी है, स्पेशली अब COVID-19 के टाइम में क्या है, प्राइवेट एग्जामिनेशन जो है, इनकी परमिशन मिल चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। दी स्टूडेंट डू नॉट अटेंड क्लासेस, वो लोगों को क्या है, क्लास में अटेंड करने का जरूरत नहीं हुआ। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन हायर एजुकेशन, द यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बिकम नेसेसरी। तो इसके लिए क्या है, देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज करना बहुत जरूरी हो गया है। आप बात करते हैं बेनिफिशियल फॉर टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस, एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है, ये ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस के लिए भी बेनिफिशियल हो गया। कैसे बेनिफिशियल हो गया, इवन टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस कैन नॉट प्रोड्यूस गुड टीचर्स विदाउट द यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है फ्रेंड्स, वो जो क्वालिटी टीचर बनाने के लिए, बनाने की जो प्रोसेस है, इसमें क्या है, इसमें चाहिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को छोड़ के वो अच्छा टीचर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज बिकॉज द ब्रांच ऑफ एजुकेशन पुट्स एम्फसाइज ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर्स बिहेवियर। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसमें टीचर्स की जो बिहेवियर है फ्रेंड्स, इस टीचर के बिहेवियर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को ऐड करके टीचर्स की बिहेवियर जो है, इसे हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, वी कैन डेवलप टीचिंग स्किल इन स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो टीचिंग टेक्निक। हम अगर माइक्रो टीचिंग टेक्निक को यूज करते हैं, तो टीचिंग स्किल स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, जो बीएड जैसे कोर्स की जो स्टूडेंट है, इनकी स्किल को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आप बात करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की।
किसी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए फ्रेंड्स, बहुत काफी ज्यादा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो गया है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू रियलाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन साइंटिफिकली, लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम। सो एजुकेशनल सिस्टम में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है फ्रेंड्स, इस इम्प्रूवमेंट के द्वारा क्या हो सकता है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही खूबिया से, बहुत ही अच्छा तरीके से हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बात कहे है, दिस इज डन बाय अप्लाइंग वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स ऑफ डोपिंग द प्रोसीजर फॉलोड बाय द अदर स्कूल सिस्टम। इसमें क्या है फ्रेंड्स, किसी स्कूल की कैसे सिस्टम फॉलो करते हैं, ये अब क्या है ऑनलाइन में अवेलेबल है। सो क्या बेस्ट है, इसे हम ढूंढ के उस तरीके से हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लीड कर सकते हैं, कैसे, एडुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 10 में, जो प्रिवेंशन ऑफ सॉरी प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, हम जो नॉलेज है इसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के यूज करके। तो यहाँ देखिए, बाय यूजिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, हम अगर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के यूज करते हैं तो हमारी नॉलेज जो है इसे हम क्या है प्रिजर्व कर सकते हैं। वी कैन प्रिजर्व नॉलेज इन ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स, हम वीडियो और ऑडियो कैसेट बना सकते हैं, उसमें हमारा जो नॉलेज है ये हम स्टोर कर सकते हैं सीडी के रूप में या फ्लॉपी और पेन ड्राइव के रूप में भी हम इसे क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ जो पॉइंट है ये डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल। डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल में भी फ्रेंड्स क्या है, एडुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज की जाती है। व्हेन ए डेफिनेट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड स्ट्रेटेजी की गुड रिजल्ट रिपीटेडली इन ए नंबर ऑफ क्लासरूम सिचुएशन, जो सिस्टम बेहतर रिजल्ट करते हैं उन सिस्टम को हम रिपीटेडली हमारे इंस्टीट्यूशंस में हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तो क्या है, इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू टीचिंग मॉडल टू बी यूज्ड यूनिवर्सली। हमारी जो टीचिंग लेवल है, अगर वो टीचिंग लेवल सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो हम इस टीचिंग लेवल को क्या है यूनिवर्सली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या, इट कैन ऑल्सो लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग थ्योरी। ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टीचिंग थ्योरीज जो है इसको भी लीड कर सकते हैं, इसको भी सामने लेके आ सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है, यूजफुलनेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या जरूरत है इसमें, लास्ट पॉइंट ये है क्रिएशन ऑफ इंटरेस्टिंग लर्निंग सिचुएशन। हम अगर ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को समझ के यूज कर सकते हैं तो हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये बहुत ही बेहतर होगा, ये साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होगा। तो यहाँ क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन ट्रांसफॉर्म द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम बर्डन टू एंजॉय, व्हिच साइकोलॉजिकली वेरी साउंड फॉर स्टूडेंट्स। हम जब किस चीजों को लर्न करते हैं, कभी कभी उन सब चीज इतना हार्ड होता है, इतने टफ होता है, जो हमारे लर्नर्स के लिए ये बर्डन जैसा हो जाता है। लेकिन एडुकेशनल टेक्नोलॉजी के अगर हम बहुत ही अच्छा तरीके से यूज कर सकते हैं तो ये बर्डन भी बहुत ही हल्का हो जाता है लर्नर्स के लिए, यहाँ बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। सो लर्नर्स इन चीजों को बार बार देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फाइनली दे कैन गेट इट। तो आप बात करते हैं यूज ऑफ मटेरियल एड्स इन टीचिंग इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। यह क्या है, हम अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को बहुत अच्छा तरीके से बनाते हैं तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो ये सारी मटेरियल्स, ये सारे लर्निंग मटेरियल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है लर्नर्स के लिए, और लर्नर इन सब चीजों को बहुत ही अच्छा तरीके से लर्न कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो क्लास है इसमें बहुत कुछ डिस्कस किया है हमने, क्या जरूरत है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, क्या जरूरत क्या है, कैसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, ये हम बहुत ही एनालाइज किया है, इसकी जो जरूरत है इसे हम समझने की कोशिश किया है, और बात किया है क्या टेक्नोलॉजी इन एडुकेशन कैसे है, ये जो सिल्बरमैन ने क्या कहा है एडुकेशनल टेक्नोलॉजी को रिलेटिव टेक्नोलॉजी, एडुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन टेक्नोलॉजी को रिलेटिव टेक्नोलॉजी कहा, और टेक्नोलॉजी ऑफ एडुकेशन को कंस्ट्रक्टिव एडुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा, ये याद रखना है। उसके साथ साथ जो डिफरेंस बिटवीन एडुकेशनल टेक्नोलॉजी के जो विंग्स है, टेक्नोलॉजी ऑफ एडुकेशन और दूसरे विंग जो है टेक्नोलॉजी इन एडुकेशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसे भी याद रखना, इसे दोबारा देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही, जैसे यूजीसी नेट की क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। सो ये काफी इंपॉर्टेंस है, ये देखना फ्रेंड्स। हम दूसरे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा मिलेंगे, उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर टीचर, टीचर कैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू, बाय बाय।